हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक नया वीडियो के साथ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मेरे बैकग्राउंड में ये पहाड़ और पहाड़ के नीचे ये छोटी सी पहाड़ी नदी। तो आप लोगों को मैं बता दूँ कि ये जो पहाड़ी नदी मेरे गांव के काफ़ी नज़दीक, जिसमें हम लोग स्नान करने के लिए आते हैं। और मेरे गांव के ज़्यादातर लोग इसी पहाड़ी नदी में स्नान करते हैं। तो उसी सिलसिले में आज हम लोग भी आए थे इस नदी में स्नान करने के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना लूं और आप सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दूं। तो पहले देख लेते हैं ये पूरा सीन इस नदी का। देखिए, कुछ इस तरह का सीन है। देखिए, देख लीजिए। देखिए पीछे मेरे पहाड़। तो यही है ये नदी, पहाड़ी नदी, जिसका पानी भी आप लोग देख सकते हैं कितना साफ पानी है। सफ़ेद ही सफ़ेद, मतलब कि बहुत ही साफ पानी रहता है। हालांकि जो भी पहाड़ी नदियाँ होती हैं, जो पहाड़ों से निकल के जो नदी आती है, उसका पानी साफ ही रहता है। प्रदूषण नाम का कोई चीज़ ही नहीं रहता है इस नदी में। तो आसानी से सभी गांव के लोग इसमें स्नान कर लेते हैं। हम लोग भी इसी में स्नान करते हैं, क्योंकि गांव से ये नदी काफ़ी नज़दीक है। तो आइए कुछ और दिखाते हैं आप लोगों को। इस नदी में कुछ और चीज़ है, और भी है आगे, तो देखते हैं। ये देखिए, और वहाँ दूर देखिए, दूर वहाँ उस पहाड़ी में मुझे कुछ गायों का झुंड दिखाई दे रहा है, जो इस समय वहाँ बैठी हैं, आराम कर रही हैं। होता क्या है कि मेरे गांव में ढेर सारे गाय हैं, तो इन गायों को जो चराने वाला चरवाहा है, इन गायों को लेके सुबह में ही गांव से चल देते हैं जंगल में चराने के लिए। और सुबह में गायों को चराते चराते, अभी दोपहर में गायों का आराम करने का टाइम होता है, तो गाय वहां आराम कर रही हैं। कुछ देर आराम करके इस नदी का पानी पी के फिर अपना जंगल में जाएगी सब चरने के लिए, और फिर शाम होगा, चरवाहा वो गायों को ले जाएंगे गांव में। इससे होता क्या है कि गाय पालने से दूध दही आसानी से मिल जाता है गांव में, तो ये भी एक फायदे की चीज़ है। और यहाँ एक चीज़ और मैं देख रहा हूँ, यहाँ आप लोगों को शायद दिखाई दे रहा होगा। यहाँ देखिए, वहाँ एक बकरी चर रही है। तो ये जंगल में ही गाय बकरी गांव के चरवाहे आके चराते हैं। तो देख रहा हूँ कि यहाँ भी पहाड़ में एक बकरी चर रही है। तो पहाड़ के ऊपर भी जाके आप लोगों को मैं कुछ दिखाऊंगा। तो चलते हैं पहाड़ के ऊपर और वहाँ से भी आप लोगों को कुछ दिखाते हैं सीन। और एक बार और देख लीजिए ये पूरा नदी का लुक, नदी का सीन, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को ये नदी, ये पहाड़ कैसा लग रहा है, ये बड़े बड़े पेड़, कमेंट के जरिए मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं इस पहाड़ के ऊपर, और पहाड़ के ऊपर क्या क्या हैं, गायें हैं, बकरियां हैं, और क्या क्या हैं, आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। और यहाँ यहाँ देखिए, यहाँ 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 देखिए, एक छोटा सा बालक मुझे देख रहा है। वो सोच रहा होगा कि भाई ये क्या कर रहा है नीचे पानी में टहल टहल के। चलिए ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कि मैं अभी पहाड़ के ऊपर आ चुका हूँ, और ये क्या देख रहा हूँ मैं पहाड़ में, यहाँ ये बैलगाड़ी। हालांकि
इसको भैंसे से खींचा जाता है और मेरे गांव में इसका बहुत काम है। जैसे आवागमन में भी ये काम आता है बरसात के दिनों में, चूंकि बरसात के दिनों में नदी नालों में इतना पानी हो जाता है कि बाइक चला पाना, ट्रैक्टर चला पाना बहुत मुश्किल होता है, तो यही गाड़ी काम आता है। तो देख सकते हैं ये बैलगाड़ी, और बैलगाड़ी कहिए या कुछ कहिए, हालांकि इसको यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं एक जोड़ी भैंसे, इन भैंसों से ही इसको खींचा जाता है। और इसमें आप अनाज भी ढो सकते हैं, गन्ना ढो सकते हैं, धान ढो सकते हैं, अलग मतलब कि ढेर सारा इससे आप काम ले सकते हैं। तो देख लीजिए यही है बैलगाड़ी, यहाँ पे इस बैलगाड़ी में यहाँ पे बैलों को लगाया जाता है, और एक साइड में ये यहाँ बैलों को लगाया जाता है, और बैलों को इससे गर्दन को ऐसे यहाँ पे फंस दिया जाता है ताकि वो इधर उधर ना जाए। तो यही है यही है, देख सकते हैं। और यहाँ मेरे पीछे आप लोग पूरा गायों का झुंड देख सकते हैं, जैसा कि मैं नीचे से नदी से आप लोगों को बता रहा था कि दूर वहाँ पहाड़ में गायों का झुंड आराम कर रही हैं, तो मैं यहाँ नज़दीक आके आप लोगों को पूरा गायों का झुंड को दिखा रहा हूँ। अभी गायों का आराम करने का टाइम, दोपहर का टाइम में गाय आराम करती हैं, क्योंकि सुबह से ही चरते चरते थक जाती हैं ये गाय, और दोपहर में आराम करती हैं। तो फिर दोपहर में आराम करके शाम को फिर निकलेंगी सब अपना जंगल में, चरवाहे लेके जाएंगे और गायों को फिर जंगल में चराएंगे, और शाम को लेके फिर गांव को चले जाएंगे। और ये देखिए, ये इसे तो आप लोग पहचान ही गए होंगे, ये गायों का गोबर। और चरवाहे क्या करते हैं, जो भी गाय का गोबर होता है उसको इकट्ठा करके जमा कर लेते हैं, और बाहर से कोई आता है इसे खरीदने के लिए, हालांकि इसका भी बहुत काम है, इसलिए बाहर से लोग आते हैं खरीदने के लिए, अपना ट्रैक्टर लेके, गाड़ी लेके और खरीद के ले जाते हैं। इसे ईंट पकाने का काम आता है, खाना बनाने का काम आता है, खपरा पकाने, मतलब कि इसका ढेरों काम है। जाड़े के दिनों में इसको जला के आग तापने का भी काम आता है। तो यही था आज का वीडियो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। देख लीजिए एक बार और पूरा सीन, और ये जंगल मेरे गांव का सुंदर सुहाना जंगल। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, चलिए कुछ और दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों अब स्नान कर लिए, अब चलते हैं घर को। अब जाते समय रास्ते का भी, जो मेरे गांव का जंगली रास्ता है उसका भी कुछ सीन दिखाएंगे आप लोगों को, और देख लीजिए ये रही मेरी बाइक सुजुकी जिक्सर, जिसको लेके मैं आया था स्नान करने के लिए नदी में। तो दोस्तों मेरी बाइक कैसी है, सुजुकी जिक्सर चल, तो अभी मैं हालांकि नया लिया हूँ इसको, अभी उतना अनुभव नहीं है मेरे पास इस गाड़ी के साथ। तो आप लोग अगर ये गाड़ी को चलाए होइएगा तो ज़रूर बताइएगा कि कैसी गाड़ी है, मुझे तो अच्छी लग रही है चलाने में अभी तक। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बाय बाय। Yeah.
मिला। सुनो,